हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं तुहानू एनवायरमेंट दे उत्ते वकैब दसूंगी। जे मान लो तुहानू कोई क्वेश्चन एग्जाम दे विच एनवायरमेंट दे उत्ते आउंदा है, उहदे विच तुसी ए वाली वकैब यूज़ कर सकते हो, जिहड़ी कि तुहाडी क्वेश्चन दे विच आंसर दे विच तुहाडा वेरिएशनस लियाऊगी और तुहाडा जिहड़ा राइटिंग टास्क है वह अफेक्टिव बन जाऊगा। सो प्लीज़ गाइज वॉच माई वीडियो टिल एंड एंड डोंट फॉरगेट टू सबसक्राइब माई चैनल। सो फस्ट हैगा बहुत वड्डी प्रॉब्लम, इस वड्डी प्रॉब्लम नूं की कह सकते हो, मैमोथ प्रॉब्लम, अ क्लोसल प्रॉब्लम, अ मॉन्स्ट्रेट्स प्रॉब्लम, अ जिजेंटिक प्रॉब्लम। सो तुसीं इह कह सकते हो, फॉर एग्जाम्पल है, इन दिस मॉडर्न एरा इनवायरमेंट इज़ अ मैमोथ ऑब्स्टेकल्स या प्रॉब्लम, एक कोई गल होंदी है, ठीक है। चारों तरफ फैली हुई समस्या नूं तुसीं कह सकते हो वाइड स्प्रेड प्रॉब्लम, रिफ्ट प्रॉब्लम, रैम्पेंट प्रॉब्लम, यूबिक्यूटस प्रॉब्लम। सो फॉर एग्जाम्पल है, इनवायरमेंट इज़ आ रैम्पेंट प्रॉब्लम, वड्डी प्रॉब्लम है जिहड़ी कि चारों तरफ फैली हुई है, ठीक है। नैक्सट हैगा इनवायरमेंट प्रॉब्लम दिनों दिन भयानक रूप धारण करती जा रही है, उन्हों कह सकते हैं इनवायरमेंट प्रॉब्लम इज़ एम्यूजिंग द ड्रेटफुल शेप विद ईच पासिस डे। दिनों दिन मीनस हुंदा है ईच पासिस डे, ते भयानक रूप धारण कर रही है मीनस एम्यूजिंग द ड्रेटफुल शेप, ठीक है। नैक्सट हैगा ग्रेव, ग्रेव हुंदा है गंभीर, इंटेंस हुंदा है अधिकतम, बहुत ज़्यादा, ते ग्रिम हुंदा है भयानक, ठीक है। तुसी कह सकते हो दिस प्रॉब्लम, या तुसी कह सकते हो इनवायरमेंट प्रॉब्लम इज़ गैटिंग ग्रिम डे बाय डे, मतलब कि भयानक होंगी जा रही है। नैक्सट एग्जाम्पल हैगी है दिस प्रॉब्लम इज़ अ मैटर ऑफ ग्रेव कंसर्न, तुसी ऐ लिख सकते हो। सो ये जिहड़ी तुहानू मैं लाइना दिस रही हूँ, ये तुसी अपने इंट्रोडक्शन दे विच जिहड़ी हुंदी है जर्नल लाइन, वह भी लिख सकते हो तुसी, ठीक है। दैन हैगा चिंता, चिंता नूं कहिंदे आ वरी, टेंस, टेंशन, कंसर्न या एप्रीहेंशन। तुसी ये वरी दे सारे सिनोनिम्स है यूज़ कर सकते हो, ही इज़ एप्रीहेंशन हिज सन करियर, फॉर हिज सन करियर आऊगा, ठीक है। प्रॉब्लम को रोकना हुंदा है स्टॉप करना, हेल्ट करना, कब करना, चेक इन करना, ये सारे स्टॉप दे हुए हैं सिनोनिम्स है। जिवें तुसी कह सकते हो गवर्नमेंट शुड हेल्ड टू द इनवायरमेंट प्रॉब्लम, नूं रोकना चाहिए, ठीक है। घटाना मीनस हुंदा है रिड्यूस करना, मिटिगेट करना या टू मिनिमाइज करना। गवर्नमेंट शुड मिटिगेट हुंदा है रिड्यूस वाइड स्प्रैड प्रॉब्लम, वाइड स्प्रैड मैं पहला दस्या सी कि जिहड़ी चारों तरफ फैली हुई समस्या नूं घटाना चाहिए। बढ़ावा हुंदा है वधना मीनस कि इनक्रीज़ या मशरूम कह सकते हो। काबू पाउणा मीनस हुंदा है काबू पाउणा हुंदा है ओवरकम करना, अरेस्ट करना, ब्राइडल रेन इन, ठीक है। इन्हां विच कोई भी तुसी यूज़ कर सकते हो। सो इहदे नाल तुहाडी जिहड़ी है क्वेश्चन दे विच आपदे आंसर दे विच तुहाडा वेरिएशनस आ जांदी है। जदों तुसी मान लो एक ही वर्ड यूज़ करना है बट तुसी उहदा सिनोनिम्स यूज़ करदे हो, तुहाडी जिहड़ा राइटिंग टास्क है वह इफेक्टिव बन जाता है। नैक्सट इहदा एग्जाम्पल हैगा है गवर्नमेंट शुड ब्रिडल टू द ट्रैफिक ऑब्स्टेकल्स, ठीक है। बहुत समस्या हमारे देश में चल रही है, तुसी कह सकते हो प्रीवल वेदर ऑफ प्रॉब्लम या होस्ट ऑफ प्रॉब्लम। इन आवर कंट्री देयर आर अ होस्टिंग ऑफ प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा समस्या चल रही है, ठीक है। फिर तुसी कह सकते हो जे काबू नहीं पाया गया तो भयानक सिट्टे निकलेंगे। सिट्टे मीनस होंगे रिजल्ट, कंसिक्वेंसिस, रिजल्ट, ओवरकम्स या अपसॉर्ट्स। सो तुसी रिजल्ट कितने भी जे आप राइटिंग दे विच ज़्यादातर यूज़ होंगे रिजल्ट, एज अ रिजल्ट, एज अ कंसिक्वेंस, ए तुसी लिख सकते हो, ठीक है। नैक्सट हैगा हानिकारक परिणाम मीनस होंगे हार्मफुल रिजल्ट, ये भी बहुत यूज़ होंगे इनवायरमेंट वाले क्वेश्चन दे विच, या डिटेरीमेंटल आउटकम्स, डिलीटेरियस कंसिक्वेंसिस, इनिमिकल अपसॉर्ट्स। दैन हैगा खतरनाक सिट्टे मीनस होंगे डेंजरस आउटकम्स या अपसॉर्ट्स, हैजार्ड्स, प्रीवलस आउटकम्स। तबाही करन वाले सिट्टे होंगे डिवस्टेटिंग रिजल्ट या डिजास्टर्स रिजल्ट आउटकम्स या डिस्ट्रक्टिव अपसॉर्ट्स, तुसी कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। नैक्सट हैगा गवर्नमेंट को लोगों को जागृत करना चाहिए, मीनस कि अवेयर करना चाहिए। गवर्नमेंट शुड मेक अवेयर द पीपल। नैक्सट हैगा गवर्नमेंट को रूल बनाने चाहिए, रूल बनाने चाहिए, इनैक्ट, इनैक्ट हुंदा है बनाना, लागू, कानून बनाना, ठीक है। गवर्नमेंट शुड इनैक्ट द लॉज।
कड़ी तो कड़े कानून बनाने चाहिए, मीन्स स्ट्रिंजेंट लॉज या हार्श रिग्रेस लॉज, मीन्स गवर्नमेंट शुड गिव रिग्रेस पनिशमेंट टू क्रिमिनल। नेक्स्ट है ट्रैफिक रूल्स शुड बी स्ट्रिंजेंट, ईडी हो गए थे लॉज। लागू करना मीन्स होंगे इंप्लीमेंट करना, गवर्नमेंट शुड इंप्लीमेंट स्ट्रिंजेंट लॉज, लागू करने चाहिए ने। या तुसी पैसिव वॉइस दे विच भी लिख सकते हो स्ट्रिंजेंट लॉज शुड बी इंप्लीमेंटेड, ठीक है। नेक्स्ट है ऐसे कानून बनाने चाहिए जो कोई बच के ना निकल सके, मीन्स नो बडी शुड गो स्कॉट फ्री। कानून तोड़ने वाले नू कहते हैं ब्रीच द लॉज, फ्लाउट द लॉज, ठीक है। सख्त सज़ा देनी चाहिए जो कानून तोड़ते हैं उन्होंने कहते हैं मीट आउट। टिल वाले एटीट्यूड नहीं दिखना चाहिए, मीन्स टिल नहीं देनी चाहिए। गवर्नमेंट शुड नॉट लैक्स कहें, ठीक है, एटीट्यूड हु ब्रीच द लॉ, जोड़े कानून तोड़े उन्होंने टिल नहीं देनी चाहिए। सख्ती वरतनी चाहिए है एक्सरसाइज स्ट्रिंजेंसी, मीन्स गवर्नमेंट शुड एक्सरसाइज स्ट्रिंजेंसी हु फ्लाउट द लॉज, मीन्स जोड़े कानून तोड़ते। दोनों में के मिलते अफेक्ट्स होंगे यूनिटी अफेक्ट्स या सीनीजाइड अफेक्ट्स। नेक्स्ट है बैन लगाना चाहिए, इंपोज द बैन ऑन थिंग्स या एक्सरसाइज द बैन ऑन जंक फूड, दोनों का मतलब इक्को ही होंगे। गवर्नमेंट शुड इंपोज द बैन ऑन प्लास्टिक बैग्स और पॉलीथीन, एवं देख सकते हो। कहावत नू कहंदे ने डिक्टम, डिक्टम या मैक्सम या एजेस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इट इज़ आल्सो अ प्रोमिनेंट हुंदा फेमस डिक्टम यूनिटी इज स्ट्रेंथ। सो एक कहावत है, फेमस कहावत ये तुसी फ्रेज अपने राइटिंग दे विच यूज़ कर सकते हो, एक अद्धा जरूर यूज़ करना चाहिए। देन हैगा समस्या गंभीर हुंदी जा रही है प्रतिदिन, दिन प्रतिदिन तुसी कह सकते हो इनवायरमेंट प्रॉब्लम इज इंटेंसीफाइंग डे बाई डे। नेक्स्ट हैगा इन्वायरमेंट समस्या खतरनाक तरीके से बढ़ रही है, मीन्स इन्वायरमेंट ऑब्स्टेकल्स या प्रॉब्लम इज इंक्रीजिंग एट अन अलार्मिंग रेट। सो थैंक यू गाइज, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू डू कमेंट एंड लाइक आल्सो। सो बाय बाय, टेक केयर।